तो शाही किला की तारीखी इमारतों को देखने के बाद अब हम बादशाही मस्जिद की तरफ चल पड़े। अंदर दाखिल होने के बाद हमने देखा कि ये बाग एक बाजार की शक्ल अख्तियार कर चुका है। बादशाही मस्जिद की तरफ जाने वाले रास्ते के दोनों इतराफ बैठे लोगों ने अपनी किसी न किस्म की छोटी दुकान लगा रखी थी। हम बादशाही मस्जिद के दरवाज़ा पर पहुंचे और ये दरवाज़ा इंतहाई खूबसूरत डिज़ाइन से तैयार किया गया है। तो अंदर जाने के लिए सबसे पहले हमें अपने जूते उतारने पड़े, तो हमने अपने जूते उतारे और दरवाज़ा से हम अंदर की तरफ दाखिल हो गए। बादशाही मस्जिद की तारीख की बात करते चलें, ये बादशाही मस्जिद 1671 से 1673 के दरमियान में तामीर की गई। ये मस्जिद मुगल हुक्मरानों के दौर में औरंगजेब आलमगीर मशहूर बादशाह ने अपने दौरे हुकूमत में तामीर करवाई थी। अभी हम मस्जिद के सहन में खड़े मस्जिद की खूबसूरती को देख रहे थे कि अजान का वक़्त हो गया। अजान के ख़त्म होते ही हमने मस्जिद के अंदर जाने और अंदर से खूबसूरती को देखने का फैसला किया। अंदर दाखिल होते ही हमने मस्जिद के फर्श से लेकर छत तक खूबसूरती ही खूबसूरती पाई और इस मस्जिद का शुमार दुनिया की सबसे बड़ी 10 मस्जिदों में एक है और बहुत से सियाह दुनिया भर से सफ़र करके हर साल इस मस्जिद को और इसकी खूबसूरती को देखने के लिए आते हैं।